रत्न, लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत है जिनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी शख्सियत इतनी विशाल थी, वो एक सामाजिक और राजनीतिक नेता थे। देखते हैं कि वो कैसे एक साधारण व्यक्ति से लौह पुरुष बने। ये हमारा भारत है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की भूमि पर पले बड़े एक साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे। कहाँ हुआ था इनका जन्म? गुजरात। गुजरात में कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1875। बिल्कुल सही। साधारण परिवार के थे। बचपन से ही इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो अपने खुद के पैसों से पढ़ करके इंग्लैंड जा करके बहुत पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन वो क्या बने हमारे भारत के, जानते हो? वो गृह मंत्री, फिर भारत के उप प्रधानमंत्री बने। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या ऐसा काम किया था? 500 रियासतों का एकीकरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत बड़े वकील बनना चाहते थे और अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के इन्होंने उस समय समाज में चलने वाली बुराइयां मतलब कुरीतियां, जैसे शराब, छुआछूत, नारियों के खिलाफ अत्याचार, इन सब के लिए उन्होंने आवाज उठाई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ रहने लगे और भारत को आज़ाद कराने में अपना पूरा योगदान दिया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी एक बहुत विशाल प्रतिमा बनवाई है। कहाँ पर है वो? वो एक छोटे से टापू गुजरात में है। जी, वो एक छोटे से टापू गुजरात में है। क्या बोला था उन्होंने? वल्लभ भाई ने कहा है कि बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता ढूंढते हैं। बहादुर रास्ता ढूंढते हैं, आप बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि कल हमें कोई मदद देने वाला है, तो इसलिए आज बैठे हैं, तो इससे आज भी हमारा बेकार होगा और कल तो बेकार होगा ही। हाँ, आवाज में सी सी दहाड़, हृदय में कोमलता थी। गरीबों के सरदार थे वो और दुश्मनों के लिए लोहा थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको शत शत नमन।